ये चार दिवसीय कृषि कुंभ होगा और प्रयास है कि 2 लाख से अधिक किसान उसके भीतर प्रतिभाग करें। उन्नीस तकनीकी सत्र उसके भीतर आयोजित किए जाएंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम विशेषज्ञों के द्वारा उस पर प्रस्तुतियां होंगी और किसानों को उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग के और अन्य जो इकाइयां हैं और जो आईसीआर के जितने भी हमारे विशिष्ट संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो भारत में स्थित है, उन सबके स्टॉल यहां पर लगाए गए और लगभग 500 संस्थाओं की भागीदारी की हम के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएन कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ आधारित व्यवसाय, डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, औद्यानिक और सब्जियों के उत्पादन को उत्कृष्ट उत्पादन की दृष्टि से बढ़ाए जाने का प्रयास, गन्ना के में भी हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सके उस दृष्टि से, पशुओं का एक विराट मेला भी उस समय आयोजित किया जाएगा, उनके रख रखाव, चारा उत्पादन इन सब चीजों पर उसमें चर्चा होगी। इस कृषि कुंभ के तैयारी आयोजन की तैयारी की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 1 दर्जन के लगभग समितियां बनाई गई हैं जो अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आयोजन स्तर पर उस समय भी हम लोगों ने कुछ चीजों के सजीव प्रदर्शन कराए थे, स्वायत्त केंद्र भूमि संरक्षण का, वन क्रॉप मोर क्रॉप का, और धान की फसल में किस तरीके से मछली का पालन हो सकता है उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर कराई गई, सोलर पंप वगैरह के कराए थे। इस बार भी अन्य चीजों पर भी मल्टी क्रॉपिंग और गन्ना के साथ कैसे बहुफसली फसल उगाई जा सकती है, इन सब चीजों की जो है वो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा।